सीसमऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अन्य दलों के साथ साथ कांग्रेस की भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी का शहर आना हुआ। बता दें कि 80 फीट रोड स्थित एक हॉल में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के लिए कई मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना ही जीत का मूल मंत्र है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस बार के उपचुनाव में सीसमऊ विधानसभा में कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करवाएगी। हालांकि राहुल गांधी के दिए हुए आरक्षण वाले बयान को लेकर एबीसी न्यूज़ के सवाल पर उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी किसी भी बयान की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं सीसामऊ में सपा लड़ेगी या कांग्रेस, इस सवाल पर उनका कहना था कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीट पर लड़ने के संबंध में दोनों दलों के नेता निर्णय लेंगे। सीसामऊ विधानसभा में हम लोग आए हैं, जो आने वाले समय में चुनाव है, सामने उपचुनाव है, उसी की एक तैयारी बैठक है। उस तैयारी बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा परिचर्चा है कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, देखिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन चल ही रहा है, लेकिन प्रिपरेशन तो हर कार्यकर्ता को करना पड़ता है। वो तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं, वो लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या होना है। लेकिन हम कार्यकर्ता जो भी हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के, हम पूरी ताकत के साथ पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारा यहाँ से सीसामऊ की पूरी तैयारी हो रहा है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है, मायावती काफी नाराज है, क्या लगता है क्या असर होने वाला है? क्या बयान दिया है आरक्षण को लेकर? बयान दिया है कि नहीं, अभी मैंने ये बयान सुना नहीं है। और हम कांग्रेस के लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान ही हमारा धर्म है, जो भारत के संविधान में वही हमारी नीति है, वही हमारी रूप।